हेलो फैमिली, मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट पूजा। तो आज हम बनाने वाले हैं कौरी शील ईयरिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी थिन कार्डबोर्ड लेना है। आप चाहे तो वेडिंग कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको दो सर्कल कट करने हैं। सर्कल के बीच में एक छोटा सा सर्कल कट कर देना है। आप चाहे तो कटर की हेल्प से कट करें या फिर सीजर की हेल्प से, टोटली आपकी चॉइस है। ये मेरे चैनल के कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि आप इस चैनल पर क्या क्या देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही था कि हम ये ईयरिंग्स टेप और कौरी शेल से बनाने वाले हैं। तो चलिए, टेप तो अब आ गई। सर्कल को टेप से पूरा कवर कर देना है। मैंने यहाँ सिल्वर टेप का यूज़ किया है। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं। छोटे वाले सर्कल में ऐसे हमें सीजर से छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसे बैक साइड पर स्टिक कर देना है। जितने छोटे छोटे आप कट्स लगाएंगे, उतना ही ये प्रॉपर सर्कल वाला शेप लेगा। अगर ये परफेक्ट सर्कल वाला शेप नहीं भी लेगा तो उसकी भी एक हैक है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ईयरिंग्स मैंने सेफ्टी पिन से बनाए हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। ऐसे ही बाहर की साइड भी कट लगाकर पीछे की साइड हमें टेप को स्टिक कर देना है। जहाँ भी अनइवन शेप आया होगा, बस वहाँ आपको सीजर से एक्स्ट्रा टेप को कट कर देना है, जिससे कि ये परफेक्ट शेप लेगा। वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं 100% उसका आंसर दे दूँगी। और अगर आपको होम डेकोर या होम स्टोरेज आइडियाज़ की लिंक चाहिए तो मैं उसकी लिंक भी आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। मैं जैसे ही इन्हें मूव करती हूँ, देख रहे हैं ना आप कैसे इसमें एक शाइनी सी एक चमक है। ये ऐसे ही आपको पहनने के बाद भी एकदम शाइनी वाला लुक देंगे। अब आती है हमारी सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ की बारी, कौरी शेल की। इसमें कोई झंझट नहीं है, बस हमें हेड पिन में कौरी शेल को इंसर्ट कर देना है। आप चाहे किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ मल्टी कलर ईयरिंग्स बनाने वाली हूँ, तो मैं हर कलर की कौरी शेल यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। मेरे पास फेविबॉन्ड अवेलेबल नहीं था तो मैंने फेविकॉल यूज़ कर लिया। आप चाहे तो फेविबॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल से भी काम चल तो जाता है, पर इसे ड्राई होने में थोड़ी सी देर लगती है। बस पीछे की साइड ग्लू लगाकर एक एक हेड पिन उस पर स्टिक कर देना है। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हमें उस पर फिर से ग्लू लगाना है और ऐसे इस पर एक हाफ सर्कल कट करके उसे अच्छे से स्टिक कर देना है। अब हमारी ईयरिंग्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये ड्राई होने के बाद हमें ऊपर के साइड स्टड को भी स्टिक करना है। आप चाहे तो स्टड को कार्डबोर्ड में इंसर्ट करके स्टिक कर सकते हैं या फिर ऐसे ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कुछ न्यू बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब टू कुछ न्यू।